वार्ड संख्या 17 पंचायत समिति सदस्य सुश्री देवी क्षेत्र में लाएंगे विकास की क्रांति। जोधपुर जिले की तिमरी पंचायत समिति वार्ड संख्या 17 की जनता ने क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सुश्री देवी को पंचायत समिति सदस्य पद हेतु चुना है। अब पद पर रहते हुए सुश्री देवी व समाज सेवी भंवरलाल मिलकर क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं पंचायत समिति टिहरी के पंचायत समिति सदस्य श्री सुश्री देवी, उनके जन प्रतिनिधि हैं भंवरलाल जी और वार्ड संख्या 17 से। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, बीजेपी पार्टी ने आपको टिकट दिया और आपने चुनाव फाइट किया, कितने वोटों से आपकी जीत हुई सर? 425 वोटों से जीत हुई, तो पार्टी के प्रति आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? जी तो सर, बात करते हैं विकास के मुद्दों पे। तो सर, शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पे? यहाँ ठीक है, शिक्षा अच्छा है। अच्छा है, तो बालिकाओं के शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? यहाँ हमारे यहाँ 50% से ज्यादा ही बालिका आ रही है स्कूल में जी, और अच्छा है, अच्छी लोगों को जागरूक कर रहे हो, शिक्षा सब कुछ है जी। तो सर, बात करते हैं वार्ड संख्या 17 की, पेयजल की व्यवस्था कैसी है सर? यहाँ पेयजल की अच्छी है व्यवस्था, जहाँ कहीं ठीक नहीं है सरपंच सरपंच तुरंत आता आपका काम करवाते हैं, रात रात उनको पेयजल की व्यवस्था करते हैं जी। पानी हर घर तक पहुंच रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं, कोई समस्या नहीं है जी। ट्यूबवेल वगैरह ठीक आता उनको ठीक करवा देते हैं, आता ठीक करवा के उनको पानी की व्यवस्था आपात करते हैं जी। तो सर, बात करते हैं वार्ड संख्या 17 की, स्वस्थ भारत मिशन के तहत आपके क्या विचार रहेंगे साफ सफाई के प्रति? साफ सफाई हर आदमी को रखनी चाहिए जी, रोड की भी रखनी चाहिए, घर की भी रखनी चाहिए जी, बाहर जो भी कचरा है कूड़ा कूड़ादान में डालना चाहिए या कहीं से जलाना चाहिए जी, सफाई हो रही है, सफाई सबसे पहले सफाई भी है जी। और जो ये भाई शौचालय वगैरह होना चाहिए जी, हर घर में शौचालय, सबको जागरूक यही कर रहे हैं भाई, शौचालय होना चाहिए, शौचालय से काम चलाओ जी। और हमारी सरकार हमें शौचालय पैसे दे रही है जी, जो भी पैसे दे रहे हैं उनको कम ज्यादा करके उनको जैसा जैसी स्थिति है वैसा बना दो आप जी, वैसे बन रहा है, ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कम पैसों में काम चल रहा है जी, छोटा बना दो उसके साइज, छोटा बनाओ छोटा को बनाओ कुछ भी बनाओ कम लागत में आप उसको चालू जी। तो सर, बात करते हैं चाहे भारत सरकार है चाहे राजस्थान सरकार है, सरकार की ऐसी योजनाएं निकल के आ रही है जो गरीब परिवार लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जैसे पीएम आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, पेंशन योजना है, ऐसी योजनाएं आ रही है जो गरीब परिवार लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो जनता ने आपको इस सीट पे बिठाया, तो आपके क्या विचार रहे हैं? जिसके पास जिसके लाभ नहीं मिला है जी, उनको जागरूक किया हमने और उसको बोल करवाएंगे, उनको जिनका भी पीछे छूटा हुआ नाम उनको भी जोड़ाएंगे जी, सबको बोल दिया भाई जिनका भी नाम पीछे छूटा है तो उनका भी नाम जोड़ाएंगे जी, सरपंच ने भी बोला है जी, जिनका नाम भी पता कर लो, जिनका भी जो शौचालय वगैरह का मकान का जो दिन के जिसकी लिस्ट में नाम है नहीं है और गरीब है वास्तविक गरीब है उनका उनका जोड़ा हुआ नाम जी। सरपंच ने एक बार दो तीन बार ये बात बोली थी जी, हमें भी बोली थी, आप विषय अभी तो प्रतिनिधि बने हैं जी, नहीं प्रतिनिधि थे फिर भी हमारे सरपंच विशेष तौर से कहा कोई भी सब ध्यान रखो जी, और जिसका नाम पीछे छोड़ गया उसका नाम जोड़ा जी। तो सर, बात करते हैं प्रशासन संघ अभियान जो भी राजस्थान सरकार ने चलाया है, तो लोगों को किस प्रकार जागरूक कर रहे हो? अभी कह रहे हैं जिसके जो आबादी में रह रहे हैं जिन लोगों का हमारे यहाँ तो काफी टाइम से पट्टे नहीं बने हैं जी, और जो भी पहले बनते थे आप पता ही है कि जो जिस आदमी ने वोट दिया उनका पट्टा बना दिया वो ऐसा चलता था जी, आपको पता है जी, जो जिसके नजदीक था परिवार था उनको मतलब पट्टे देते थे जी। अब तो हमारे सरपंच ने वो स्पष्ट है, हमारे जो सरपंच बने रहे बिल्कुल ईमानदार और स्पष्ट है, चारों दोनों का बराबर देख रहे हैं जी, और उन्होंने कहा आवेदन दीजिए सबका, जिन जहाँ जो भी रह रहे हैं जी उनको सबका पता देंगे जी, ये बात है। तो सर, यहाँ पे अपने बिजली की व्यवस्था कैसी है अपने पंचायत में? पंचायत बिजली की व्यवस्था तो बिजली आ रही है बड़े टाइम टू टाइम आ रही है हाँ, इधर अभी तो कम बीच में थोड़ा क्यों कोयला की वजह से वो बता रहे हैं कि अभी कोयला कम है वो है, बीच में कटौती थी जी, और बिजली कट तो रही है कम आ रही है, बिजली जो भी पहले मिलती थी उनसे कम मिल रही है, अभी पूरी नहीं मिल रही है, ये तो बात सत्य जी। तो भंवरलाल जी, जैसे हमने भी 17 नंबर वार्ड में सर्वे किया, रोडें काफी खराब है ठीक है, तो रोडों के प्रति क्या विचार है? तो पहले तो थी नहीं सा जी, बीच में इसी पीछे पहले बीजेपी सरकार आई थी जी, उस टाइम काफी
80% रोड बनी थी जी, विकास हुआ रोड़ा का, सबसे ज्यादा रोड़ा का विकास हुआ। यहाँ रोड यहाँ नहीं थी जी, गांव में रोड रोड नहीं थी जी, और जो भी टूटी फूटी थी, और बीजेपी सरकार आने के बाद बहुत काफी 80% रोड़ा का विकास हुआ जी। और आगे अभी तो इस 5 साल में कुछ काम हुआ ही नहीं जी, ये कांग्रेस सरकार आई है इसमें रोड़ा का या दूसरा कोई काम सामने नहीं आ रहा, वही नहीं है। तो सर जैसे आपके बच्चे को चुनाव जिताया जनता ने, 36 को हमने मिलके अच्छे वोटों से जीत ली है, तो सर आगे जैसे दीपावली आ रही है जी, तो जनता के प्रति क्या बताई संदेश है, थोड़ा बताइए आप। संदेश तो भाई यही है, जिनका वो कोई भी समस्या हो जी, वो समस्या को आप बताए, हम भी पता करेंगे जी। जिन आदमी की समस्या है, अभी वो चल रहे हैं पट्टो काल, सरकार का अभियान चल रहा है, उसमें भी इनको जोड़ेंगे। जो पेयजल की समस्या उनको भी बताया, वही और विशेष साफ सफाई का विशेष इनको बता रहे हैं जी। तो सर अपने पंचायत में जी कितने % वैक्सीन लगी अभी, कोरोना की वैक्सीन है जो, कितने % लगी है? हमारे यहाँ करीबन 80% 80% फर्स्ट डोज सेकेंड, हाँ 80% जी। जो 18 से ऊपर है जी, उनकी ज्यादातर उनकी करीबन 90% उनकी लग चुकी है जी, मतलब कुल मिलाकर 80% तो वैक्सीन लग चुकी है जी। अच्छा अभियान चल रहा है वैक्सीन का, अच्छा बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और सर जब तक वैक्सीन लगते हैं सरपंच वही बैठते हैं, जिस दिन एनी टाइम वैक्सीन लगती है सब लाइन लाइन लगती है, और टाइम टाइम सबको सरपंच बैठते हैं, पूरे दिन बैठते हैं जी, पूरे दिन वैक्सीन में उसका विशेष ध्यान वैक्सीन पर रहता है जी, और सबके वैक्सीन लगाते हैं बराबर। धन्यवाद सर, आपने आरपीडी न्यूज़ को टाइम दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।